बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे आप सब? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से। तो आज कब लोग स्टार्ट करते हैं, ये मैं कुछ ड्रेसेस दिखा रही हूँ। ये जो ड्रेसेस हैं ये किसी के लिए बनाई थी मैंने, और मैंने खुद स्टिच की थी। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपने हुनर शेयर करूँ। तो मैं जो है ना स्टिचिंग करती हूँ, और ये रमज़ान का महीना तो माशाल्लाह से जो है सारा मतलब इसी उसमें गुजर जाता है। और ये किसी के लिए बनाए थे, और इस तरह से और भी काफ़ी आए थे। ये जब रमज़ान स्टार्ट हुआ तो उस टाइम के आए हुए ड्रेसेस थे। उस टाइम काफ़ी लोग उम्रे पे जा रहे थे, काफ़ी लोग माशाल्लाह माशाल्लाह से। इस दफ़ा तो काफ़ी उम्रे के लिए तैयारियां चल रही थी, और अब तो ईद के ड्रेसेस है, तो ईद के लिए हो रही हैं सारी तैयारियाँ। और इस बीच में ना एक जो है जानने वाली, उन्होंने मुझे एक ड्रेस दिया, कहती है कि उन्होंने अपने दोस्त के लिए बनवाना है, ईद का गिफ्ट देना है। तो कहती है कि वो बचपन से उसके साथ है, और यूं करके वो देती रहती है गिफ्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जो है इस तरह का करूँ। हमारे जब स्कूल का टाइम होता था तो अक्सर रमज़ान जब इस जब स्टार्ट हो जाता था तो ईद की गिफ्ट देना दोस्तों को देते थे। सहेलियाँ जो होती थी हमारी स्कूल फ्रेंड, तो एक दूसरे को ईद की गिफ्ट दिया करते थे। तो बहुत मज़ा आता था ईद के कार्ड लिखना, और अच्छा लगता था। उस पर अलग अलग शायरियाँ, मजाक की मजाया शायरियाँ, ईद की शायरियाँ और लिख के वो करते थे। तो इस दफ़ा मैंने भी इस तरह की सोचा, मैंने कहा चले मैं भी जो है ना इस तरह से करूं। तो मैंने भी एक फ्रेंड के लिए गिफ्ट मंगवाया ऑनलाइन, एक ड्रेस मंगवाई, और उसके लिए जो है ना स्टिच भी किया, क्योंकि साइज़ तो मुझे पता होता है। तो मैंने जो है ना स्टिच किया, और उस पर कार्ड मुझे मिल नहीं रहा था कि अब कार्ड कहाँ से लूँ। तो ड्रेस के ऊपर ही आजकल तो पता है ड्रेस के ऊपर ही पिक्चरें बनी हुई होती हैं, तो मैंने उसी को यूज़ किया। तो मैंने ये जो ब्राउन पर्पल कलर का जो ड्रेस है, ये वाला ड्रेस मैंने अपनी दोस्त के लिए सिलेक्ट किया, और इसके ऊपर शायरी लिखी। शायरी क्या लिखी थी वो अभी आपको दिखाती हूँ, पहले ये ड्रेस देख ले। ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मेरी दोस्त का है, और उसके लिए मैंने स्टिच किया, थोड़ी सी हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग कर ली। तो मुझे बड़ा मज़ा आया जब मैं शायरी लिख रही थी। मैंने अपने बच्चों को बोला तुम मेरी मदद करो, क्योंकि मतलब काफ़ी अरसा हो गया, अभी कहाँ याद रहती हैं। तो ऑनलाइन ही देख रहे थे, कुछ गूगल कर रहे थे, तो बच्चे कहते हैं ऐसी दे दो ना, क्या लिखना ज़रूरी है। तो मैंने कहा नहीं, मज़ा आता है यूँ करके लिखने में। तो कहते इतनी मेहनत कर रहे थे आप लोग, इतनी मेहनत करते थे। तो मैंने कहा इसी में तो मज़ा था। तो फिर जो है ना बस मतलब जब शायरी दिखा रही थी, बच्चे भी पढ़ रहे थे, बच्चों को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, और बच्चे भी सेलेक्ट करके दे रहे थे। और ये जो मेरी दोस्त है ना, ये बच्चे इसके साथ काफ़ी अटैच हैं, काफ़ी आदत है, तो इसीलिए बच्चे भी इसके साथ मजाक करते रहते। तो बच्चों ने भी काफ़ी मदद की। ये देखें ये शायरी है, पहला शेर है, आम लगे अंगूर लगे फिर लगे बादाम, ईद खाट खोलने से पहले मेरा सलाम, चिड़ियों की ईद होती है गंदम के दाने पे, मेरी ईद होती है आपके मुस्कुराने पे। तो ये इस तरह की मैंने शायरियाँ लिखी थी। आप लोग कैसी शायरियाँ लिखते थे, अपने शेर ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है अगर याद है तो। तो चलें इसी के साथ लोग करते हैं ख़त्म, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप सबके साथ एडवांस में ईद मुबारक। आप सब, अल्लाह ताला आप सबके रोज़े इबादत कबूल करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।